अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पे किसी के साथ कुछ होता है तो कोई मदद के लिए आता नहीं, मगर जब एक आदमी ने देखा कि एक आदमी अच्छी भली लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है और देखते ही देखते उसने लड़की को किडनैप कर लिया, तो जो आदमी ये सब देख रहा था वो भी अपनी गाड़ी में बैठ के भागा उसके पीछे, छोड़ा नहीं उसने उसे, ट्रैफिक में भी लगा रहा उसके पीछे, और एक जगह पे पहुंच के उसने उसे पकड़ ही लिया, मगर किडनैपर ने उसे गोली मार दी, वो बेचारा गिर गया। अब आगे क्या होता है देखिए, घबराइए नहीं, वो आदमी मरा नहीं, मगर जब उसे होश आया तो उसने क्या देखा और हमने क्या देखा पूछिए मत, क्या देखा और क्या निकला। ओह गॉड नॉट अगेन, कितनी बार कार्ड बदलवा लिया लेकिन हर बार वही हाल। भगा बेटा भगा, कितना भगाएगा मैं भी देखता हूँ, आज तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैंने तेरा नंबर भी नोट कर लिया है। ये लड़की अभी तक हाथ पैर मारी गई, इसका कोई लवर वगैरह हुआ तो सोच ले बेटा रोहन, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। भगा बेटा भगा, कितना भगाएगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। में तो कोई नहीं है, लगता है उस लड़की को अंदर लेकर गया है। फोन, अरे वाह नेटवर्क लग गया, पुलिस को फोन करता हूं। हेलो हेलो सीआईडी ब्यूरो, देखिए मैं रोहन बात कर रहा हूं, मुझे एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है। एक आदमी कावेरी रोड से एक लड़की को उठाकर ले गया। जी हाँ, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, हाँ मैंने उसका पीछा किया और यहां आ गया। आप जल्दी अपनी टीम को यहां भेज दीजिए। क्या ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं वेट करूंगा, लेकिन आप प्लीज जरा जल्दी कीजिए। ओके। ये पुलिस वाले भी अजीब हैं, मुझे यहाँ वेट करने के लिए बोल दिया और अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़, ये लड़की कुछ चिल्ला भी नहीं रही, पहले तो मदद के लिए बहुत चिल्ला रही थी, अब क्या करूं मैं। टाइम क्या हुआ है, पुलिस टीम आएगी मलाड से, वहां पर ट्रैफिक बहुत होगा, अभी उनके आते आते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं यूं हाथ पे हाथ रखे बैठ भी तो नहीं सकता। रोहन तुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, भगवान रक्षा करना। छोड़ दीजिए। कितनी बार समझाया तुझे, हाँ लेकिन बात तेरी समझ Please में नहीं आती। तुझे छोड़ दूं? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, I promise. Just leave me. मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू अपनी जबान खोल पाए। सारी की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा और साथ में तेरे माँ बाप का भी खून कर दूंगा। नहीं प्लीज, मेरी मम्मी पापा को कुछ मत करना, मैं
मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी मैं, ट्रस्ट मी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ओह माय गॉड, ये तो इस लड़की को जान से मरने वाला है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो इसकी जान नहीं बच पाएगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं पुलिस के आने का वेट नहीं कर सकता। प्लीज छोड़ दीजिए। ए गोली मत चलाओ। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें क्या लगता है? देखो तुम कुछ नहीं जानते, प्लीज स्टे अवे। आप चुप रहिए। छोड़ दे लड़की को वरना गोली मार दूंगा। प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। आई डोंट इवन नो हु ही इज। डोंट। आई सेड लीव हर अलोन। देखो तुम यहाँ से जाओ, तुम कुछ नहीं जानते, प्लीज गो गो। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की को छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। प्लीज आई विल शूट यू। आई सेड प्लीज। मैं तुझे गोली। प्लीज डोंट डू दिस। दो दो गाड़ियां, रोहन ने फोन पर बताया था। ये भी कारखाना है? यहां कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है, ना कोई आवाज है। मगर सर कोई कारें छोड़ के ऐसे जाएगा तो नहीं, यहीं कहीं होगा। देखते हैं सर। हाँ जरा होशियार इसे, लेकिन चलो। जिंदा है? लगता गोली लगी है। गोली लगी है सर। अच्छा हुआ गोली छू के निकल गई। रोहन संभल के, संभल के। हम लोग सीआईडी से। तुमने ही फोन किया था हमें? वो लड़की कहाँ? वो लड़की कहाँ? लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। देखो घबराओ मत, हम लोग आ गए, हम लोग देख लेंगे। नहीं 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 सर, उस लड़की की जान खतरे में है। वो आदमी उसे जान देखो जान से मार देना चाहता। देखो पहले हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नहीं सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो उस लड़की की जान वाकई खतरे में है, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। वो आदमी उसे मार देना चाहता था। यही मैंने उसका पीछा किया, वो एक कार में जबरदस्ती उसे यहाँ तक लेके आया था। कार में? किस कलर की कार है? ब्लैक कलर की, बड़ी सी कार है। ब्लैक कलर की? वो तो नीचे। चलो चलो देखते हैं। चलिए संभल के। आई एम ऑल राइट सर। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूं। यही गाड़ी है सर? ये उस आदमी की गाड़ी है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। यही गाड़ी है सर। अभिजीत चेक करो इसे। अरे गाड़ी खुली छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सर उसे बहुत जल्दी रही होगी, उसने इस लड़की को गोली मारी होगी और उसके बाद यहाँ से भाग गया होगा। नहीं शायद ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी क्रिमिनल ऐसी गलती नहीं करेगा। और वो पैदल भाग के जाएगा कहाँ? अभिजीत पहले उस लड़की के बारे में सोचो, अगर उसका खून हुआ है तो उसकी लाश यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। देखिए सर, मुझे जितना मालूम था मैंने आप लोगों को सच सच बता दिया। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। देखिए रोहन, हमें लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सबूत नहीं है सर। पहले हम ये पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी है किसकी? पता करो अभिजीत। सर हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। एक कार की डिटेल पता करनी है हमें, अर्जेंट है। नंबर है MQ0708। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, उस लड़की का पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही सबूत है, ये गाड़ी। इसे फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं, इसकी एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करते हैं। जितने भी निशान मिले उंगलियों के इस पे सब उठा लो, छोटा बड़ा कोई भी। पता नहीं कौन कौन बैठा है इस कार में।
इस केस ने मेरा नया साल खराब कर दिया। क्या हुआ सर? वाइफ के साथ कहीं जाने वाले थे आप? अरे सब रखा का रखा रह गया, ऊपर से अरे छोड़ो यार। कुछ हुआ सर? तू आग मत लगा। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। दूसरों के साथ प्रॉब्लम शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है सर। अच्छा? यस सर। तो सुन, जिस वक्त मैं घर पहुंचा तो नया साल लग के 4 घंटे बीत चुके थे। ओ। गरम गरम गाजर का हलवा ठंडा हो चुका था। सर वो तो आप फिर से गरम भी कर सकते थे ना। अरे होगा तो गरम करूंगा ना, गुस्से से वाइफ ने बाहर फेंक दिया। अभिजीत, खूनी गोली चलाने के बाद अपनी गन तक फेंक देता है पुलिस के डर से। यहाँ तो इस आदमी ने पूरी गाड़ी ही छोड़ दी। ये रोहन अब कैसा है? सर डॉक्टर ने कहा उसकी किस्मत अच्छी है, गोली यहाँ से छू के निकल गई। 1 इंच अंदर होती तो। देखो अच्छी तरह से। मेकअप बॉक्स सर? हाँ सर, ये गाड़ी के अंदर मेकअप बॉक्स मिला है, काफी महंगा है। ओ, तो इसका मतलब है ये रोहन सही कह रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई औरत जरूर थी। विवेक? यस सर। जी सर। कुछ मिला? सर वो गाजर का हलवा सर। गाजर का हलवा? तुप? क्या हुआ फ्रेडरिक्स? सर वो वाइफ सर, कुछ नहीं सर। किसकी वाइफ? सर वो गाजर का हलवा वाइफ ने बाहर फेंक दिया ना, इसके लिए। ओ शट अप फ्रेडरिक्स, ये चक्कर क्या है? दोनों के दोनों तुम। सर ये पैसेंजर सीट के नीचे से मिला है। ओ ये भी महंगा लगता है, सोने का है, इसमें डायमंड्स जड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत ये? हाँ हाँ देशपांडे जी बताइए। अरे ये तो सारा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। क्या नाम क्या बताया आपने? ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर सर देशपांडे का फोन था आरटीओ से। अच्छा, कार के मालिक का तो पता चल गया है। कौन है? सर एक लेडी है, औरत। औरत है? या। अच्छा, तो फिर ये आदमी कौन है जिसने उस औरत को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और ले गया? जी हाँ, वो कार मेरी है। कल ही तो बताया था आप लोगों को सब कुछ, आज वही सवाल फिर से कर रहे हैं आप। हम तो आपको पहली बार मिल रहे हैं। कल ही तो रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन खुद जाकर मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी कार चोरी हो गई है। आपकी कार चोरी हो गई? और वो भी कल ही? जी हाँ, वो भी कल ही। आपकी गाड़ी में गुनाह हुआ है। मेरी गाड़ी में गुनाह हुआ है? क्या हुआ है? किडनैपिंग। कोई आदमी जबरदस्ती एक लड़की को आपकी गाड़ी में भगा के लेके गया। सुप्रिया जी, हमें ये चीजें आपकी गाड़ी में से मिली है। ये आपका है? ये मेकअप बॉक्स तो मेरा ही है। और ये? ये तो नकली है, और सुप्रिया नकली चीजें नहीं पहनती, कभी नहीं। फिर तो ये ब्रेसलेट उसी लड़की का होगा जिसे वो आदमी कार में उठा के ले गया है। एक बात बताइए, आपको कोई आइडिया है आपकी कार कौन ले जा सकता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। आपकी गाड़ी चोरी कहाँ से हो गई? होटल में से, स्टार शाइन होटल में मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी कार की चाबियाँ अपने बॉय को दे दी, और जब मैं पार्टी से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी कार तो वहाँ से गायब है। होटल स्टार शाइन। हमारे होटल में ऐसा पहली बार हुआ है सर, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक बार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद दोबारा कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। हम लोग हर कार का नंबर नोट। बस बस रहने दो, इतनी बड़ी बड़ी फेंके जा रहे हो। सुप्रिया की कार कोई यहाँ से उठा के ले गया और तुम लोगों को हवा तक नहीं लगी। चाबी कैसे मिली चोर को? क्या मालूम साहब कैसे मिली, कार हम लोग पार्क करने के बाद चाबी यहाँ इस ड्रॉअर में रख देते हैं। हर कार की चाबी नंबर के साथ यहाँ पर पड़ी रहती है। यहाँ पे पड़ी रहती है, मतलब कोई भी आदमी इस ड्रॉअर से चाबी निकाल सकता है ना? कैसे उठा सकते हैं सर, 24 घंटे स्टाफ के लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, और फिर बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकता सर। फिर भी चाबी यहाँ से गायब तो हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों में से किसी ने यह चाबी चुरा कर किसी को दे दी? ये क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग और चोरी? तो फिर कार यहाँ से कैसे गायब हो गई?
सुनो। अच्छा रोहन, ये आदमी और औरत दिखने में कैसे थे, या फिर कोई ऐसी चीज उनके बारे में याद है जो एकदम से दिखाई दे? अब ऐसा कुछ खास तो नहीं। हाँ, उन दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्टी से आ रहे हैं। पार्टी? हाँ, आमतौर पर इतने अच्छे कपड़े पहनकर और इतना ज्यादा मेकअप करके कोई शॉपिंग मॉल में तो जाता नहीं। अच्छा, ऐसा क्या? अरे सुनो जरा। यस सर। ये कल यहाँ सुप्रिया जी की पार्टी के अलावा कोई और भी पार्टी चल रही थी? यहाँ तो सिर्फ सुप्रिया जी की पार्टी थी सर, और दोनों हॉल उन्हीं के लिए बुक थे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एक ही पार्टी थी, वो भी सुप्रिया की। इसका मतलब वो कार चुराने वाला शायद इसी पार्टी में से ही आया हो। सर। हाँ। सुप्रिया के पार्टी की वीडियो शूटिंग हुई थी, वीडियो शूटिंग करने वाला एक आदमी था वहाँ पे, उसी से मुझे ये सीडी मिली है। गुड वर्क फ्रेडरिक्स। थैंक यू सर। इस सीडी से अब हम फोटोग्राफ बनवा सकते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलूं? चलूं? कहाँ चलूं? अभी तो तुम्हारा असली काम शुरू हुआ है। देखो, कार चोरी करने वाला सुप्रिया के पार्टी में से आया। तुम्हें अब इस वीडियो को देखकर बताना है कि वो लड़का और लड़की कौन है, तो अच्छी तरह से देखो। हाँ जी। रोहन, इन मेहमानों को अच्छी तरह से देखो, देखो वो इन्हीं में से कोई है। नहीं सर, अभी तक इनमें से ऐसा कोई भी चेहरा नहीं जिसे मैं पहचानता हूँ। देखो, ये तो मालूम है कि दोनों इसी पार्टी में थे। देखते रहो, अभी भी मेहमान आ रहे हैं। यही है सर, वो यही लड़की है वो। हाँ, बिल्कुल वही लड़की है। फ्रेडरिक्स, पॉज पॉज, ध्यान से देखो, यही है ना वो? अरे हाँ सर, बिल्कुल वही है। मैं अच्छी तरह से पहचान गया हूँ, ये वही लड़की है। मुझे अभी तक याद है इसका वो चेहरा, मदद के लिए चिल्ला रही थी, वही लड़की है ये। और ये आदमी भी था उसके साथ कार में? नहीं नहीं भाई, ये वो आदमी नहीं है। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू रोहन, अब हमें उस लड़की का चेहरा मिल गया। अब सुप्रिया से ही जाकर पूछते हैं कि ये मेहमान है कौन। देखिए, इस फोटोग्राफ को अच्छी तरह से देखिए, इसमें जो लड़की है शायद आप उसे जानती होगी, क्योंकि ये फोटो आपकी पार्टी में खींचा है। अरे ये तो रुचि है, मेरे बिजनेस पार्टनर मेहुल की वाइफ। रुचि? तो एक आदमी ने इसे आपकी गाड़ी में देखा है। तो क्या रुचि का किडनैप हो गया? जी, मामला बहुत सीरियस है, कोई गन पॉइंट पे उठा के ले गया रुचि को। जी हाँ, हो सकता है रुचि की जान खतरे में हो। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो हमें दीजिए प्लीज। हाँ, मेरे पास है उसका एड्रेस, मैं अभी देती हूँ। सर, लगता है हमें देर होगी। यहाँ तो किसी की मौत हो गई है। जरूर रुचि मर गई है सर, उसका खून हो गया है। हाँ। एक्सक्यूज मी, देखिए, बॉडी ले नहीं जा सकते। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। जी सर। क्या बात है सर? आप लोग प्लीज बॉडी को नीचे रख दीजिए, ये खून का इन्वेस्टिगेशन है। मगर इनकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी सर। जी नहीं, ये खून है। अच्छा, आप लोग प्लीज बॉडी नीचे रखिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये गलत बात है, मैं आप पर केस कर दूंगा। देखिए प्लीज, हमें अपना काम करने दीजिए। बॉडी नीचे रखिए, नीचे रखिए आप लोग। साइड में आइए प्लीज, नीचे रखिए प्लीज, प्लीज हटिए। ये पाप है, मरने वाले की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। आत्मा से मैं निपट लूंगा। फ्रेडरिक्स, ये तो लड़की नहीं है। सर ये वही आदमी जिसने उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी। ये वही आदमी जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। हाँ सर, ये वही है। जी सर, वही आदमी है। मेरे घर में आकर मेरे डैडी के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक मिनट मिस्टर मेहुल, एक मिनट। रोहन, इस आदमी ने तुम पर गोली चला? जी सर। और ये आदमी, इस आदमी की तो मौत हो गई है। तो फिर रुचि कहाँ है? हैं? ये रुचि का ही घर है ना? आप रुचि को मिलने आए क्या? हाँ, मगर रुचि कहाँ है? मैं हूँ रुचि।
मैं मेहुल की वाइफ हूँ, ये मेरे ससुर हैं। क्यों आप लोग इनका अंतिम संस्कार होने से रोक रहे हैं? देखिए, रोहन ने हमें बताया कि आपके ससुर ने जबरदस्ती आपको गाड़ी में बिठाया और फिर इस पर गोली चलाई। थैंक गॉड आपके ससुर का निशाना खराब था, इसलिए शायद मैं बच गया और शायद इसीलिए आप भी बच गई। बस बंद कीजिए, आज मेरे डैडी जिंदा नहीं है तो आप कुछ भी बोल देंगे क्या? क्यों मेरे ससुर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाएंगे, क्यों गोली चलाएंगे मुझ पर? देखिए, मेरे डैडी के पास कोई भी गन नहीं थी। पता नहीं कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनका दिमाग ही खराब है। What do you mean? मेरा दिमाग खराब है क्या मैडम? एक तो मैं आपकी जान बचाने के लिए इतनी दूर तक गाड़ी चला कर गया, अरे खुद अपनी जान खतरे में डाली, और आप है कि मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। सर मुझे तो लगता है इन्होंने खुद अपने ससुर की जान ली है। अभिजीत बॉडी चेक करो। आप लाश को ले नहीं जा सकते, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, हमें लाश को अच्छी तरह से चेक करना हो हमारे फोरेंसिक लैब में। खून जमा है। यार सारुंखे, जब एक्सीडेंट होगा तो चोट तो लगने वाली ही है, और जब चोट लगती है तो खून निकलना लाजमी है। खून निकलना तो लाजमी है इसी हिसाब, लेकिन खून निकलेगा कहां से? ब्रेन के आगे वाले हिस्से से या पीछे से? आपको पता है जब एक्सीडेंट होता है तो खोपड़ी के अंदर ब्रेन पहले सामने की तरफ टकराता है और फिर बॉडी के साथ झटके के साथ पीछे की तरफ आकर के पीछे टकराता है, इसीलिए पीछे चोट लगती है। तो फिर सारुंखे, खून दिमाग के दोनों साइड से आना चाहिए। बिल्कुल सही, जब ब्रेन के पीछे की तरफ चोट लगती है तो उसे कॉन्ट्रा कोप कहते हैं। यार सारुंखे, क्लास लेना बंद कर और पहले ये बता कि यहां हुआ क्या है। हुआ क्या है? ये देखिए, ब्रेन के आगे हिस्से में खून ही नहीं। मतलब सर, आगे किसी चीज से टकराया नहीं है? टकराएगा तब जब एक्सीडेंट होगा, जब एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो ब्रेन के आगे के हिस्से में खून भी नहीं होगा। मगर सर, इस आदमी के सर के पीछे भी कोई चोट का निशान नहीं है। हाँ? दिखाई नहीं। अभिजीत किसी सॉफ्ट चीज से वार किया होगा। सॉफ्ट चीज से? हाँ, कपड़े में किसी रॉड को लपेट करके वार किया होगा। मतलब पहले उसे मारा, फिर उसे गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट किया, तो ये चक्कर है। रुचि जी, लो हम फिर आ गए। कहिए। आपकी कोई चीज लौटानी थी, इसे पहचानती हैं? जी नहीं। अच्छा, वह आपने बता दिया आपका नहीं है, हम लोग तो कंफ्यूज हो गए थे। बाय द वे, ये फोटो आपकी है ना? जी हाँ। और इस पे ये जो ब्रेसलेट है, ये भी आपका है? अब वो मालूम है, ये ब्रेसलेट हमें कहाँ से मिला? सुप्रिया की कार से। और इस ब्रेसलेट में आपके ससुर की उंगलियों के निशान है। ये आपके पिताजी की उंगलियों के निशान। मैं बताता हूँ उनकी उंगलियों के निशान इस ब्रेसलेट पर कैसे आए। जब किरण जी आपको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे तब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा होगा और उस वक्त उनकी उंगलियों के निशान इस ब्रेसलेट पर आ गए। फिर किसी तरह से आपने किरण जी का खून कर दिया और उनकी बॉडी को गाड़ी में डाल दिया। क्यों, सच है ना? तो बताओ क्या हुआ था उस वक्त? क्या कहा, डैडी का खून हुआ है, एक्सीडेंट नहीं? जी रुचि जी, क्या हुआ था उस दिन? मैंने किसी का खून नहीं किया,
मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किरण जी को किसने मारा है? उन्हीं ने आपको किडनैप किया था ना? क्यों? मुझे पता चल गया था कि मेरे ससुर एक ड्रग स्मगलर है। उस दिन पार्टी में मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। जब वो फोन पे किसी से ड्रग की कोई डील फाइनल कर रहे थे। देखो इस वक्त मैं वहां नहीं आ सकता, मैं पार्टी में हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ हाँ माल मिल जाएगा, 50,000 मेंट्रिक्स तुमको चाहिए मिल जाएगी, तुम अकेले जाओ। रुचि मेरी बात, रुचि। मैं वहां से बाहर चली गई, वो मेरे पीछे आए और फिर मुझे एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से भी कुछ कहा तो वो मेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे। मैं डर गई थी, मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी मैं। फिर उनकी मौत हुई कैसे? मैं नहीं जानती। लेकिन पार्टी में आने के बाद से तो रुचि मेरे साथ थे। तो फिर किरण की मौत हुई कैसे? एक्सीडेंट से? वेरी इंटरेस्टिंग सर, गाड़ी स्पेड से टकराई, विंडशील्ड का ग्लास टूट के चूर चूर हो गया, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये देखिए, और बम्पर को भी। हाँ, और अभिजीत, और एक मजे की बात यह है कि जब गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट की वजह से विंडशील्ड की कांच ज्यादा बाहर की तरफ गिरनी चाहिए, हालांकि यहां ज्यादा कांच के टुकड़े अंदर है बाहर कम। ये कैसे हो सकता है? अरे, ये क्या है? सर! हाँ? सर ये टिश्यू पेपर मिला है, खून लगा हुआ है, एकदम ताजा, किसी ने हाथ पोंछ कर यहाँ फेंक दिया। होटल स्टारशाइन? सर ये तो वही होटल है जहाँ पर पार्टी हुई थी और सुप्रिया की गाड़ी चोरी हुई थी। इसका मतलब है अभिजीत, जो कुछ भी हो रहा है सुप्रिया की पार्टी से जुड़ा हुआ है। होटल स्टार शाइन, इस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सब के नामों की लिस्ट लेकर आओ। ये लो बॉस, दूध का दूध और पानी का पानी। उप्स, आई एम सॉरी, मतलब खून का खून और पानी का पानी। यार मैं भी क्या क्या भके जा रहा हूं। एनीवे, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस टिश्यू पेपर पर भी वही खून लगा है जो कांच पर लगा है। कौन सा कांच डॉक्टर साहब? ये लो कर लो बा। कांच का मतलब है कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कार की विंडस्क्रीन के कांच के छोटे छोटे टुकड़े। तो कहीं ये खून उस आदमी का तो नहीं है किरण का जिसका खून हुआ था? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यार अभिजीत तुम बात करो इससे, मैं निकल रहा हूं। नहीं, ये खून मरे हुए आदमी का नहीं है और खून बहुत रेयर ग्रुप का है, ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव किसका खून है? ये खून शायद खूनी का ही है। लाश को कार में रखने के बाद जब उसने कार के शीशे तोड़े ये दिखाने के लिए कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, तब या तो शायद उसके हाथ में लग गई या कहीं और चोट लग गई। तो फिर उसने इस टिश्यू से अपना खून साफ किया और वहां फेंक दिया। बिल्कुल सही, ये टिश्यू उसी होटल का है जहां पर पार्टी चल रही थी और सुप्रिया की गाड़ी उसी होटल से चोरी हुई थी। इसका मतलब है खूनी उसी होटल से उसी पार्टी में से आया था। सर, हाँ सर, जितने भी लोग पार्टी में आए थे उन सब का नाम मिल गया है। गुड, अब एक काम करो, इन सारे लोगों को कल ब्यूरो में बुलाओ, उनके हाथ चेक करो, ब्लड लो,
पता चल जाएगा किसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। देखिए सर, दो लोग नहीं आए। दो लोग नहीं आए? कौन नहीं आया? कोई मिस्टर वरुण है सर और रुचि। रुचि? वरुण और रुचि? उन्हें बुलाया था ना? हाँ सर, उन लोगों के घर पे मैंने खुद फोन किया था। तो फिर? पता नहीं सर। समझ में नहीं आता, लोग दो बूंद खून देने के लिए इतने डरते क्यों हैं? सर कुछ ना कुछ चक्कर तो है, नहीं तो दो बूंद खून देने से कोई आदमी मर थोड़ी ना जाएगा। तो फिर इन लोगों को जाने दो। चलिए चलिए। अभिजीत, अब उन लोगों के घर चलते हैं जो यहां नहीं आए, ये वरुण और रुचि। रुचि कहां है? कहां है रुचि? वो तो आप ही के ऑफिस में गई है ब्लड टेस्ट के लिए। ऑफिस में नहीं पहुंची है वो। कहां है वो? सर वहां नहीं पहुंची। मोबाइल पे फोन करो उसे और ये मत कहना कि मोबाइल बंद है उसका। सर लेकिन उसका मोबाइल वाकई में बंद है। अच्छा मोबाइल बंद है, घर पे है नहीं, ब्यूरो पहुंची नहीं, कहाँ गई वो? सर वो वहीं गई है, जब भी कोई टेंशन होती है तो वहाँ चली जाती है वो। बेटा ये तो मामा प्लीज प्लीज जल्दी करिए, हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने मेहुल से कभी झूठ नहीं बोला और आज इस तरह। मामा प्लीज हरी आप, हमें ये शहर ही छोड़कर जाना है अब। बेटा लेकिन इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं हम? बिल्कुल सही, नहीं जा सकते। अब जी इसके हाथ चेक करो, देखो कोई खरोंच है क्या जिसमें से खून निकला था। रुचि जी हाथ दिखाइए अपने। हाथ दिखाइए। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। देखो रुचि, हमें पता है तुम एक क्रिमिनल नहीं हो और हमें यह भी मालूम है कि तुमने जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब सच सच बताओ क्या हुआ था पार्टी में? मैं और क्या करती, पापा जी मुझे गोली मारना चाहते थे और वो रोहन पता नहीं कहां से आ गया। मैंने पापा जी को धक्का दिया सिर्फ खुद को बचाने के लिए, लेकिन उनके गिरने की वजह से उनके सर पे चोट लगी और वो मर गए। फिर लाश को उठा के गाड़ी में डाला और बाद में एक्सीडेंट जैसा दिखा दिया, वो सब तुमने किया? जी हाँ, मैंने ही किया। नहीं ये हो ही नहीं सकता, जब तुम किरण के हाथों से अपना हाथ छुड़ा नहीं सकती थी तो फिर उसकी भारी भक्कम लाश को गाड़ी में कैसे रख सकती? अब सच सच बताओ किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? किसी को नहीं सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। कहीं इसने तो खून नहीं किया है? रुचि किसने खून किया है? सच सच बताओ, सच सच बताओ नहीं तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा अभी। नहीं, खून रुचि ने नहीं किया, खून मैंने किया है। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रुचि बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत चुप रहा हूं, लेकिन मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगतो? मेरा नाम वरुण है, रुचि का डैडी। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, इसलिए मैं ब्यूरो नहीं आया था उस दिन। ये देखिए। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रुचि मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। किरण को मैंने मारा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस दिन सुप्रिया की पार्टी में मैं भी था। रुचि मेरी बात सुनो। कोई प्रॉब्लम हो तो बता। रुचि मेरी बात सुनो। रुचि रुचि। अच्छा मैं बताता हूँ तुमको। सुनो मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं किरण का चेहरा देखते ही समझ गया कि मेरी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए जैसे ही वो वहां से निकले मैं उनके पीछे पीछे गया।
पापा 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 मर गया पापा। ये कौन है? मुझे नहीं पता पापा, ये पता नहीं, आई डोंट नो। इसकी गाड़ी कहाँ है? वो होटल में, मैं लेकर आती हूँ पापा, यू टेक केयर। पापा क्या हुआ? पापा खून? पापा पापा मैं पापा पापा यू ओके? चलिए पापा चलिए यहाँ से। वरुण जी, आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए किरण को मार डाला, मगर वो तो खून ही है, और खून करके छुपाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। पता नहीं कोर्ट आपके इस क्राइम को किस नजरिए से देखेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।